इमोशनल हो ही जाता हूँ। बट इट्स फाइन, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हेलो गाइस, सो मेरा दिल्ली का सफ़र, दिल्ली का टाइम बस यहीं तक था। अभी मेरे को वापस जाना पड़ रहा है और मैं अब कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, कौन सी कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आप सबको बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा, बहुत जल्दी आपको पता होगा। और हाँ, थोड़ा इमोशनल लग रहा होगा मेरे फेस से। ये ऑब्वियस सी बात है कि आप जब भी छुट्टियों के लिए घर पे आते हैं और फिर आप अपने फैमिली को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के दोबारा काम पे जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि आप वापस कब आएंगे, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, मे बी 1 साल बाद, तो आप इमोशनल हो ही जाते हो। सही है, तो मैं उन सभी लोगों को ये राय देना चाहूँगा जो अपने माँ बाप के पास है अपने घर में, कि उनके साथ जितना हो सके टाइम बिताइए, उनसे बात करिए, उनको खुश रखिए, मूवी दिखाइए, शॉपिंग करवाइए, खाना खिलाइए, खुद खाना बनाइए, जितना हो सके उनके साथ टाइम बिताइए, क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है। और वो टाइम कभी लौट के नहीं आ सकता। अगर आप अपने माँ बाप के साथ हैं अपने घर पे, तो आप बहुत खुश नसीब हैं। सीयू तो बहुत जल्द ही, मैं बताता हूँ आपको मैं कौन सी कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ। सीयू सून। तो गाइस, मैंने चेक इन कर लिया और मैंने प्रिंट आउट नहीं निकलवाए थे, फोटोकॉपी नहीं निकलवाए थे, तो अभी मैं वो निकलवाने जा रहा हूँ। मैंने मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस है उसका हो गया है फोटोकॉपी, और मेरा वीज़ा का फोटोकॉपी हो गया है, बट जो मेरा रिटर्न टिकट है वो स्पाइस जेट का है। और एयर इंडिया वाले कह रहे हैं कि सर, जो फ्लाइट है उसी के ऑफिस से आप फोटोकॉपी निकलवाइए, क्योंकि इनके पीछे आप देख सकते हो कुछ इनकी, इनका कंपनी का लोगो ये सब होता है, तो वो नहीं निकाल सकते। तो अभी मैं फोटोकॉपी के लिए जा रहा हूँ, प्रिंट आउट के लिए जा रहा हूँ निकलवाने के लिए, गेट नंबर 8। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर आप पहले से सब प्रिंट आउट निकलवाएं। मेरी तरह लापरवाही बिल्कुल मत करें, बिल्कुल मत करें। थैंक यू सो मच। सारे प्रिंट आउट निकल गए हैं और अभी मैं इमिग्रेशन के लिए जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। सो फाइनली इमिग्रेशन हो गया है, और इमिग्रेशन बहुत जल्दी हो गया था यार, आज क्राउडेड भी नहीं था। और अभी मैं बोर्डिंग करने के लिए जा रहा हूँ, और गेट नंबर है 12, और अभी 1-14 दिस साइड। ओके कूल। तो मेरा बोर्डिंग करने के लिए गेट नंबर है 12, और अभी मैं 1 पे हूँ, तो इट्स मीन मुझे बहुत चलना पड़ेगा। कितना बड़ा बना दिया इधर गांधी एयरपोर्ट, कब से चले आ रहा हूँ, और अभी गेट नंबर 4 तक ही पहुँचा हूँ। एज यू कैन सी,
और फाइनली आई जस्ट लैंडेड, क्योंकि मैं पूरी रात भी नहीं सोया था तो। और अभी मेरे को मेरा जो कॉल टाइम है वो 1:45 का है। तो इट्स मीन यहाँ से सीधा मेरे को लोकेशन पे जाना है, वॉक लोकेशन पे। तो इसलिए मैंने अपने टाइम को कंज्यूम करा, फ्लाइट मिस हो गया। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानना चाहते होंगे कि मैं कहाँ ट्रैवल किया है, कहाँ ट्रैवल किया है, तो मैं सेकंड होम दुबई में आया हूँ। और आज से ही मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट है, तो मेरे को अभी ट्रैवल करना है अबू धाबी के लिए। और आज से हमारी सारी रिहर्सल एंड एवरीथिंग स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि मेरा क्या शेड्यूल है, मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, मैं क्या चीज़ें कर रहा हूँ, हमारे लिए सब कैसे होती है। क्योंकि मेरे से बहुत लोगों ने बोला था कि आप बताइए कि आप क्या करते हैं दुबई में, आप कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, पूरा लाइफ स्टाइल थोड़ा बताइए। तो मैं ट्राई करूँगा अपना पूरा लाइफ स्टाइल बताने के लिए। सो शेड्यूल गाइस, सून यू विल सी ऑल द अपडेट्स एंड एवरीथिंग। Till then, see you. Shut up. Bye-bye.